हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना मोबाइल के हॉटस्पॉट में पासवर्ड डालेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अपना हॉटस्पॉट में पासवर्ड नहीं डाले हैं और उस मोबाइल के MB डाटा को हॉटस्पॉट ऑन करके दूसरा मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट करके यूज करते हैं तो फ्रेंड आपको कोई भी पासवर्ड नहीं मांगता है, यानी फ्रेंड आप आसानी से उस मोबाइल के डाटा को यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड उसी समय कोई व्यक्ति ने अगर चाहेगा तो फ्रेंड आपका MB डाटा जो है उसको चोरी कर लेगा। कैसे फ्रेंड? क्योंकि वो भी कनेक्ट करेगा तो उसको भी कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा फ्रेंड। इसीलिए फ्रेंड आप अपना हॉट स्पॉट में पासवर्ड जरूर डालें फ्रेंड, और ऐसा गलतियां नहीं करें ताकि अगले बार जब भी दूसरा कोई व्यक्ति आपका MB डाटा को चोरी कर ना पाए। तो फ्रेंड इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और अपने हमारा चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलता रहे। फ्रेंड मैं हूँ वीरेंद्र और आप देख रहे हैं वीरेंद्र टेक्निकल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड सबसे पहले आपको ऊपर से नीचे की ओर ऐसे खींचना पड़ेगा। जैसे ही आप ऐसे खींचते हैं फ्रेंड आपको इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉट स्पॉट लिखा हुआ। सिंपली फ्रेंड आपको हॉट स्पॉट में एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड आपका हॉट स्पॉट ऑन हो जाता है। उसके बाद फिर से फ्रेंड 2 सेकंड तक हॉट स्पॉट में क्लिक करके रखना है। जैसे ही 2 सेकंड तक क्लिक करके रखेंगे फ्रेंड आपको इस तरह से इंटरफेस होगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर 3 नंबर में आप देख सकते हैं सेट अप वाईफाई हॉट स्पॉट लिखा हुआ है। सिंपली फ्रेंड आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड आपको इस तरह से ऑप्शन आएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला है नेटवर्क नेम, यानी जो भी आपका हॉट स्पॉट का नेटवर्क नेम रखना चाहते हैं फ्रेंड आप उसको यहाँ से एंटर करके रख सकते हैं। जैसे मैंने रख रहा है फ्रेंड अपना नाम बिरा, इसी तरह से फ्रेंड। उसके बाद आता है ऑप्शन नीचे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में फ्रेंड आपको सिक्योरिटी डालना रहता है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है नॉन, और नॉन के दाहिना साइड में आप देख सकते हैं कि तीर का चिन्ह दिख रहा है। सिंपली फ्रेंड इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड आपको 2 ऑप्शन आएगा, एगो नॉन आएगा और एगो WPA2 PSK, या तो कोई भी रह सकता है। यानी नॉन के नीचे जो भी होगा फ्रेंड उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड आपका यहाँ पर पासवर्ड में आता है। तो पासवर्ड में फ्रेंड आप जो भी पासवर्ड देना चाहते हैं उस पासवर्ड को आपको एंटर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड मैं अपना पासवर्ड रख रहा हूँ हॉट स्पॉट का 8 से लेकर 1 तक। तो इसी तरह से आप जो भी अपना पासवर्ड देना चाहते हैं, अपना नाम हुआ, चाहे तो मोबाइल नंबर, चाहे तो डेट ऑफ बर्थ, जो भी अपना पासवर्ड आप देना चाहते हैं अपना हॉट स्पॉट में फ्रेंड वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से 100 पासवर्ड, यानी 100 पासवर्ड पर फ्रेंड आप जो भी पासवर्ड डालेंगे वो दिखेगा, और इसको ई टिक को हटा देंगे तो फ्रेंड आपका जो भी पासवर्ड है वो नहीं दिखेगा। तो फ्रेंड आप जैसा भी रखना चाहते हो वैसे रखेंगे। अगर पासवर्ड को दिखाना चाहते हैं तो ऐसे रखने दें, और नहीं दिखाना चाहते हैं तो टिक को क्लिक कर दें ताकि वो पासवर्ड कोई देख ना पाए, और फ्रेंड सेव में क्लिक कर दें। तो फ्रेंड आप इस तरह से अपना हॉट स्पॉट में पासवर्ड डाल सकते हैं। फ्रेंड हम देखेंगे कि आपकी मेरा हॉट स्पॉट में पासवर्ड और नेटवर्क नेम सेव हो चुका है कि नहीं हुआ है। तो फ्रेंड फिर से हम जाएंगे सेट अप वाईफाई हॉट स्पॉट में, और जाने के बाद फिर से यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रेंड मैंने रखा था बीरा, तो फ्रेंड नाम नेटवर्क नाम सही है, और फ्रेंड पासवर्ड हम देखते हैं कि पासवर्ड वही है कि दूसरा है। तो फ्रेंड यहाँ से देखिए वही है, यानी फ्रेंड हमारा जो नाम और पासवर्ड है वो सेव हो चुका है। तो फ्रेंड अभी इसी तरह से आप अपना मोबाइल के हॉट स्पॉट में पासवर्ड डाल सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया है, और पसंद आया है तो फ्रेंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, और फ्रेंड अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।